बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने नॉर्मलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, आज हम अपनी बुक में से देखते हैं द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सिंपलर एंड रिलायबल डेटाबेस स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। डेटाबेस को के स्ट्रक्चर को, डेटाबेस के टेबल्स को, कॉम्प्लेक्स डेटाबेस को सिंप्लीफाई करने को हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। इसमें हमने देखा कि डिफरेंट नॉर्मलाइजेशन की टाइप्स हैं, जैसे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, और इसके बाद BCN नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म, इस तरह से होती है। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 3 नॉर्मल फॉर्म्स हैं, तो हम उसको देखेंगे। उसके बाद हमने देखा कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, व्हाट इज़ फंक्शनल डिपेंडेंसी। अ फंक्शनल डिपेंडेंसी इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। इट स्टेट्स दैट इफ़ द वैल्यू ऑफ वन एट्रीब्यूट इज़ नोन, इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ एन अदर एट्रीब्यूट। ठीक है, कल मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि जैसे डेट ऑफ बर्थ और एज दो एट्रीब्यूट्स हैं, और अगर हमें डेट ऑफ बर्थ पता हो तो हम दूसरे पर्सन की एज पता चला सकते हैं। इस तरह से एज जो है वो फंक्शनली डिपेंडेंट है ऑन डेट ऑफ बर्थ। जी, नेक्स्ट आज हम देखेंगे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। जी, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म व्हाट इज, when is a relation in first normal form, explain with example. First normal form, a relation is in first normal form if every intersection of row and column contains atomic value. समझ आई? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ये कहती है कि हर सेल के अंदर, टेबल का जो एक सेल होता है ना, हर सेल के अंदर सिंगल वैल्यू आनी चाहिए, डबल वैल्यूज ना हो। एटॉमिक वैल्यू का मतलब है सिंगल वैल्यू, तो फिर वो रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा। इट मीन्स दैट द रिलेशन डज नॉट कंटेन एनी रिपीटिंग ग्रुप्स। रिलेशन के अंदर कोई रिपीटिंग ग्रुप नहीं होना चाहिए। अ रिपीटिंग ग्रुप इज अ सेट ऑफ वन और मोर डेटा आइटम्स दैट मे अकर वेरिएबल टाइम, नंबर ऑफ टाइम्स इन द टपल। एक रिपीटिंग ग्रुप का मतलब है एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट, एक से ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रहे हो आपके टेबल के अंदर। ईच फील्ड इन अ रिलेशन शुड कंटेन ओनली वन वैल्यू। हर रिलेशन के अंदर एक ही वैल्यू की वो होनी चाहिए, तो फिर हम कहेंगे कि ये टेबल जो है ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। जी, आपको टेबल नज़र आ रहा है, इसके अंदर आप देखें डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, ये 3 कॉलम्स हैं। और एम्प्लॉय नंबर देखें 2 दफ़ा रिपीट, एक ही ग्रुप के अंदर, एक ही सेल के अंदर, ये देखें एक सेल के अंदर 2 दफ़ा लिखा हुआ है। E01 E022 वैल्यूज़ आ रही हैं, इसी तरह 2 नाम आ रहे हैं एम्प्लॉय में। तो ये रिलेशन जो है ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कब होगा, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हर एक को अलहदा अलहदा रो बना देंगे इसकी। ये देखें नेक्स्ट जो टेबल है इसके अंदर एम्प्लॉई नंबर ऊपर वाले में 2 थे, तो वो हमने 2 नीचे अलग-अलग बना दिए और अलग-अलग नेम के साथ बना दिए।